अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स के कैफे के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा खुर्रम। ऐसा लगता है कि स्कूल्स को और तमाम इंस्टीट्यूट्स को बंद करना पड़ेगा। सईद गनी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक नया बयान सामने आया, उस पर शफकत महमूद का रद्द अमल। तमाम तफसीलात के लिए आप मेरे साथ रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। 18 सितंबर को सईद गनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने प्रॉपर तरीके से तमाम सिचुएशन को एनालाइज किया है, और इसके साथ साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने हमें सजेस्ट किया है कि तमाम स्कूल्स अभी ओपन नहीं किए जाएं। यानी 21 से जो प्राइमरी का सेक्शन जाना शुरू होगा वो डिले हो गया है, और ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की कंटिन्यू की जाएंगी। उसकी रीज़न बताते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो SOPs को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बहुत से कोविड के केसेस हमारे सामने आए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम प्रोविंसेस के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट की है कि इंटर प्रोविंशियल मीटिंग एक कॉल की जाए, जिसमें बकायदा कंसेंसस के साथ एक डिसीजन लिया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो ओपनिंग है उसे कुछ अरसे के लिए डिले कर दिया जाए। मुल्क भर में बहुत से कोविड के नए केसेस सामने आ रहे हैं। 88 के करीब असातज़ा में इसकी तशखीस हो चुकी है। इसके साथ साथ बहुत से बच्चों में पंजाब सिंध सरहद बलूचिस्तान हर जगह पे बच्चों के अंदर भी कोविड के बहुत से केसेस देखने में आ रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि हमें बच्चों की सिक्योरिटी, उनकी हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि बच्चे इंस्टीट्यूट्स में जाएँ, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि SOPs को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में सोशल मीडिया भी हमारी हेल्प करे और तमाम स्कूल्स इसको मेक श्योर करें। इस हाई सिचुएशन के ऊपर एक शफकत महमूद का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सईद गनी को ये बयान देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। उनको पहले तमाम प्रोविंसेस के साथ या एजुकेशन मिनिस्टर जो वफाकी एजुकेशन मिनिस्टर हैं यानी शफकत महमूद के साथ कंसल्ट करके, NCOC के साथ कंसल्ट करके, उसके बाद उनको ये बयान जारी करना चाहिए था बाकायदा कंसेंसस से। ये इख्तलाफ हमारे सामने देखने में आया 22 को NCOC की नई मीटिंग है, जिसमें बाकी आइंदा की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स की कैफे एंड फ़ाइज़ा खुर्रम हियर। नाज़रीन, आजकल जो एक पेंडेमिक की और स्ट्रेस की जो